हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छी होंगी। तो आज आए हम मार्केट में भैया दूज की शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर कर रहे हैं हम गाड़ी पार्किंग, तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ। तो यहाँ से हमने शॉपिंग तो कुछ नहीं की क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो बस हम यहाँ पर आए थे, हम थोड़ा सा हमने यहाँ से कुछ सामान लिया और अब हम चल रहे हैं कहीं और पर शॉपिंग करने, यानी जहाँ से हम सामान लेंगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इस वजह से हमने अंदर ज़्यादा हम गए नहीं सामान वगैरह लेने। और ये देखिए देहरादून का फेमस मार्केट, तो बहुत से लोग तो देखकर समझ गए। तो ये है तहसील बाज़ार, तो काफ़ी भीड़ हो रही है क्योंकि भैया दूज है कल, और इस वजह से यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही है। और हमने तो यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत लिया है और बस अब हम चल दिए क्योंकि ज़्यादा देर हम बच्चों को भी लेकर आए हैं और शॉपिंग करने आज। तो यहाँ पर मैं आपको ये भैया दूज का एक दिन का पहले का व्लॉग है, और इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी भैया दूज वाला व्लॉग। तो ये है भैया दूज की मॉर्निंग का व्लॉग। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं, ये देखिए सामान वगैरह ला के रखा हुआ था कल ऐसे ही पैक करके, तो ये सब लेके आए थे हम। और मिष्टी बाटी यहीं पर, और बस अब थोड़ी देर में हम करेंगे हम भैया दूज की पूजा। तो मैं लेके आई थी कपड़े वगैरह अपने भाइयों के लिए, और भाभी भी, मैं भी, दोनों ही। और ये आगे मेरे भाई यानी चाची के बेटे हैं दोनों मेरे, और अंशु बैठा है और भैया भी इधर बैठे हैं। और अब हम करते हैं पूजा की तैयारी शुरू। तो टाइम हो गया, मुहूर्त हो गया पूजा का, तो आप कर रहे हैं भाई दूज की तैयारी। तो यहाँ पर मैं चौकी लगा रही थी तो मम्मी मुझे बता रही कैसे कैसे करना है, तो हर बार करती हूँ हर बार भूल जाती हूँ कैसे बनाना है। तो बस वही आदत पड़ी है ना मम्मी से पूछ पूछ के करने की, तो मम्मी ही बता रही है यहाँ पर क्या बनाना है। और भाभी भी आ गए हैं, और बस अब करते हैं फटाफट से पूजा और फिर जाएंगे हम ससुराल भाई दूज में नंदों के पास। और अभी कर लेते हैं फटाफट मैं भी पूजा, फिर चलेंगे और लेके चलूँगी आपको भी अपने साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यहाँ पर मैं ये चौकी पर कलावा बांध रही हूँ, और पहले चौक पूरते हैं। तो चौक पूरने के बाद मम्मी ने वो बताया कैसे करना है, और अब मैं चौकी पर कलावा बांध रही हूँ यहाँ पर। और फिर इसी चौकी पर भैया को खड़ा कर कर हम यहीं पर करेंगे भैया का तिलक। तो ये मेरा हो गया, और अब करती हूँ। तो चलिए अब कर लेते हैं तिलक, और भैया भाभी को बुला रही हूँ मैं यहाँ पर। और मैं खड़ी हो गई, थाली तैयार कर ली है मैंने पूजा की। और यहाँ पर क्या हुआ, कैमरा देखिए फिर से वही वाला कैमरा मैंने सेट तो किया है, बच्चे हिला देते हैं बार बार और फिर नीचे हो गया कैमरा, तो इस वजह से फेस नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं भैया का तिलक कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ इसी तरह से होता है, तिलक करते हैं और भैया को ये गोला दिया जाता है, गोला और खीर बता से, तो ये देते हैं हम। तो यहाँ पर मैं इनके कपड़े वगैरह जो लाई थी वो सब इनको दे रही थी। और गोला हमारे यहाँ मेन होता है, जो गोला होता है नारियल वाला, तो ये दिया जाता है भाई को तिलक करने के बाद, भाई भाभी को। तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ इसी तरह से होता है, आप लोग बताना आपके किस तरह से होता है भाई दूज का तिलक। और ये मैंने कर दिया तिलक और मिठाई वगैरह खिला दी है भाइयों को, और अब मैं करूँगी अपने और दोनों भाइयों का तिलक। और मुझे भैया दूज का गिफ्ट पहले ही मिल चुका था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था करवा चौथ में जो मैंने साड़ी पहनी थी, मैंने आपको बताया नहीं था वो मुझे कहाँ से मिला है, तो वो मुझे भैया दूज का गिफ्ट मिला था, तो भैया ने मुझे पहले ही दे दिया था। तो फिर मैंने करवा चौथ में ही पहन लिया था क्योंकि कोरा कपड़ा पहनना अच्छा होता है, तो फिर मैं चलो यही पहन लेती हूँ। तो वो भैया ने ही मुझे भैया दूज का गिफ्ट दिया था, तो मैंने पहन लिया है वो। और भैया लाए हैं इन बच्चों के लिए, दोनों के लिए कपड़े, अंशु पीयू के लिए भी, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अब कर रही हैं भाभी यानी कि मिष्टी कर रही है अब अंशु का तिलक, मिष्टी और पीहू दोनों बहनें करेंगी अब। तो अभी दोनों छोटी है तो भाभी उनसे करवा रही है थोड़ा थोड़ा करके। तो अंशु को देखिए आप कैसे खुश हो रहा है।
तो यहीं पर भाभी उनसे करवा रही है, तिलक लगवा रही है, और जैसे मैंने किया है वैसे ही वो भी कर रहे हैं। नहीं दे दे भैया को, दे दे मिठाई, दे 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 गले मिले। और अब ये मिल रहे हैं दूसरे गले हैं, तो भैया दूज में ऐसे होता है भाई बहन गले मिलते हैं दूसरे के, तो यहाँ पर ये गले मिल रहे हैं। और अब मिष्टी करेगी अंशु का तिलक, और यहाँ पर मिष्टी लाई है अंशु भैया के लिए चॉकलेट और कपड़े, तो वो भी उसे देंगे। तो वो देखिए पीहू पहले ही लेकर चली है चॉकलेट का बॉक्स, तो अब मिष्टी करेगी यहाँ पर भैया का तिलक, यानी कि अपने भैया का अंशु का, तो अंशु बहुत खुश है। ले गिफ्ट भी देगी अभी, मारूंगी मैं सब, वो भी तो है, कपड़े भी तो है इसके। आजा बोलो, तू भी खा लो, जा ये हाथ में ले लो ना, इसे तो मिलेगी, तो खुद ही मिलेगा। सौरभ ले लो, ले लो। और अब कर लेती हूँ अपने और दोनों भाइयों का, तो ये मेरे चाची के बेटे हैं दोनों, और ये बड़ा वाला है, कुछ छोटा है नीचे बैठा है जो उधर सोफा पर, और वो देख रहा है वहाँ पर कार्टून, तो खूब कार्टून देखने के बहुत शौकीन है ये। और कर देती हूँ अब इसका भी तिलक, और यहाँ पर मैं पॉलिथीन में इसको रख रही थी ताकि घर ले जा लेंगे, अब घर जाएंगे इसलिए मैंने कुछ सामान वगैरह सब रख रही थी, फिर कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो दोनों आए थे ये, और अब दोनों भाई जाएंगे फिर, तो उनको थोड़ा सा सामान वगैरह रख देती हूँ और कुछ खिला देती हूँ उनको। और हो गया मेरा तिलक पूरा, और बस अब हम चलेंगे नाश्ता वगैरह करके अपने ससुराल की तरफ, तो वहाँ भी दिखाऊंगी आपको कैसे होता है यहाँ पर। तो मिष्टी को देखिए कैसे खड़ी है यहाँ पर, तो अब हम पहुँच गए हैं ससुराल। तो ये है यहाँ पर ससुराल में जो टीका लगता है, और यहाँ की फेमस डिश जो भैया दूज में बनती है, बटूक फीनी और सेल रोटी वगैरह। तो जो लोग नेपाली हैं और जो वो लोग तो जानते ही क्या है, तो यहाँ का टीका मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है टीका अलग अलग कलर में। तो पहले चावल से इस तरह से चावल के आटे का ये पता नहीं पीस कर लगाते हैं, और उसके बाद उस पर अच्छे अच्छे कलर लगते हैं, सुंदर और बहुत अच्छा लगते हैं। तो यहाँ पर लगा रही है
मेरी ननद है और ये लगा रही है यहाँ पर अपने भैया को टीका, और उसके बाद मेरी भी लगाएगी। तो मुझे बहुत पसंद है ये वाला टीका। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल सा। और ये देखिए मेरा टीका और मिस पीहू का। और अब हम चलेंगे अपनी दूसरी ननद के घर पे। तो ये है वो वाली ननद जिनकी अभी शादी हुई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो उनके ही घर पे आए हैं हम यहाँ पर। तो यहीं पर हम बैठे हैं और ये लोग भी हमारे साथ ही आए थे यहाँ पर। और ये है मेरी ननद बड़ी वाली जिनकी अभी शादी हुई है वो, और यहाँ पर हमारे लिए रखा है चाय नाश्ता। तो आप लोग भी कर लीजिए यहाँ पर। ये वसाई वाला है माला पिना के। चाय के लिए तभी तो कहता हूँ ना, ना मुझे बताना है, हमारे बच्चे यहाँ के हम सब चाय पीने वाले हैं, चाय पीने वाले है ना। ये बात तो सही कह रहे हैं ना, मैंने इसीलिए पहले मुझे पता है ना, भाभी हम लोग और अब हम आए हैं अपने मामा ससुर जी के घर पर। तो यहाँ पर बैठे हैं मेरे देवर और ननंद, और ये देखें यहाँ पर कैसे सो रहे हैं। तो और फिर बस शाम हो गई थी, फिर हम आ गए हैं घर, और यहाँ पर हो रही है मोमो बनाने की तैयारी। तो अंशु के पापा कर रहे हैं यहाँ पर मोमो बना रहे हैं। तो बैटर वगैरह सब हमने बना के भैया ने तैयार कर दिया था पहले ही, बैटर आटा वगैरह और सब कुछ। बस ये कर रहे हैं इनको फिल, और फिल करके बनाएंगे इनके मोमो। तो आज बहुत दिनों बाद मोमो खाएंगे, चलो हमने घर में ही बना लेते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया मोमो बना रहे हैं ये। और बस अब जैसे ही कुक होएंगे फिर हम लोग खाएंगे। तो आप लोग भी ले लीजिए एक एक, और ये देखिए कितने बढ़िया बढ़िया मोमो बना रहे हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आपको बनाना है तो। और बस रात हो गई है, 7:30 का टाइम हो गया, और आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखिए